दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से, शान से। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से, शान से, शान से, शान से। Now tell me everything. वो मशहूर खूनी दुर्जन जिसकी पुलिस को जिंदा या मुर्दा तलाश थी, इस बिल्डिंग में है। I say, बिल्डिंग को तो हमने घेर लिया है, लेकिन मुश्किल यह है कि पांचवें फ्लोर पर कुछ बिल्डिंग वर्कर्स को होस्टेज बना लिया है। हेलो, हेलो दुर्जन। हाँ, मैं दुर्जन बोल रहा हूँ बेटा, तुम कौन हो? मैं डीएसपी शिव कुमार बोल रहा हूँ। दुर्जन, तुम जानते हो पुलिस ने इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है और अब तुम्हारा यहाँ से निकल जाना नामुमकिन है। डीएसपी साहब, ये गीदड़ भक्की किसी और को देना, मुझे तो आ गया तो इन सब की लाशें खिड़की से बाहर फेंक दूंगा, समझे? इंस्पेक्टर, मैं बिल्डिंग अंदर जा रहा हूं। एक्सक्यूज मी सर, आप जानते हैं दुर्जन सिंह किस किस्म का खूनी है? जो मैं कहता हूं वो करो। सारी सर्च लाइट्स एक साथ उस खिड़की पे ऑन कर देना, चंद सेकंड के लिए उसकी आंखें चुंधिया जाएंगी और मैं उस पार निकल जाऊंगा, समझे? ये क्या हो रहा है? ये क्या चाल है?
अच्छा तो हमेशा अपने डैडी को ही डराती हैं। कभी कभी अपनी मम्मी को भी डराया कीजिए। हाँ कहाँ है मम्मी? चाय पियेंगे? मैंने कहा चाय पियेंगे? हाँ हाँ पी लेंगे, लेकिन हम दोनों तो तुम्हें छुपकर डराने आ रहे थे। हमें पकड़ कैसे लिया तुमने? वो देखिए सामने आईना है, उसमें आप दोनों बाप बेटी साफ नजर आ रहे थे। अरे वाह, आखिर हो ना पुलिस ऑफिसर की बीवी। जी गुड्डी साहिबा, इस बार हमारी स्कीम मार खा गई। चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी सही। हाँ जरा खड़े हो जाइए। ये क्या? स्वेटर। ओ तुमने अभी से बुनना शुरू कर दिया? जी हाँ, पूरी आस्तीन का है ना, और आप तो मेरे स्पीड जानते हैं। हाँ वो तो सर्दियाँ आ जाएंगी। अब कपड़े बदल लीजिए, मैं चाय ले आती हूँ। सुनो ये सामान वामान बांधने की तैयारी करो, मेरे ट्रांसफर के ऑर्डर्स आ गए हैं, हम बम्बई जा रहे हैं। आपके ट्रांसफर से तो मैं बहुत घबराती हूँ, लेकिन बॉम्बे जाना है ना तो कोई बात नहीं। अच्छा है विजय और अभी भी हमारे साथ रहेंगे। वो दोनों लफंगे हमारे साथ रहें या ना रहें, लेकिन अब भी अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो देख लेना, जब तक मैं बम्बई में हूँ या तो हवालात में रहेंगे या जेल में। आप तो अपने भाइयों के बारे में ऐसी बातें करते हैं जैसे वो कोई बहुत बड़े मुजरिम हो। ठीक है थोड़े बहुत शरारती हैं, तो क्या हुआ? यही मेरे माँ बाप भी कहा करते थे, जिनके लाड प्यार ने उन दोनों को बिगाड़ दिया है। और यही कहते कहते वो बेचारे तो परलोक से धार गए, लेकिन मेरे भाइयों की कोई कल सीधी ना हुई। ये वो होटल? यही। तुम्हें पूरा यकीन है कि इस होटल का मैनेजर हमारे चक्कर में आ जाएगा? मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेलता भाई, सब पता लगा लिया है। इस होटल का मैनेजर एक नंबर का बेईमान, हेरा फेरी करने वाला लालची आदमी है। अरे वो तो ऐसे लपेटे में आएगा कि देखते जाओ। एक्सक्यूज मी। जी जी वो एक कमरा मिलेगा? जी हाँ मिलेगा। कैसा रूम चाहिए, सिंगल या डबल? जी मैंने अर्ज किया सिंगल रूम चाहिए। से, 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 सिंगल 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 सिंगल। नाम बोलिए। जी जी नाम?
नाम क्यों पूछ रहे हैं आप? ये हमारा रजिस्टर, इसमें नाम तो लिखना ही पड़ेगा जनाब। वो विजय, विजय कुमार। मिस्टर विजय कुमार, दस्तखत कीजिए। जी ये आपका कमरा नंबर 102, इसकी चाबी बैग में ऊपर भिजवा दूंगा। जी नहीं, जी जी नहीं, वो आप खामखा से मत कह रहे हैं, बहरा बैग ले जाएगा ऊपर। जी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बैग खुद ले जाऊंगा। आपकी मर्जी साहब। ये कमरे का रास्ता किस तरफ से है? ये आप इधर से जाइए, फिर ये ऊपर जाइए सीढ़ियों पर, और कमरा नंबर 102 बाईं तरफ है। शुक्रिया। जी कहिए। इस होटल के मैनेजर आप हैं? जी हाँ हूं तो, लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? बात यह साहब, इस शहर के मशहूर ज्वेलर्स जमुना दास के यहाँ एक आदमी काम करता था, वो उनके 2.5 लाख के हीरे लेकर भाग गया। 2.5 लाख के हीरे? जी हाँ, और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो इसी शहर के किसी होटल में छिपा हुआ है। 2.5 लाख के हीरो समेत छुपा हुआ यहाँ पे? ये रही उसकी तस्वीर। ये आदमी इस होटल में कभी आया तो नहीं था? जी ये आदमी हमारे होटल में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये आदमी तो क्या इससे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा। और इंस्पेक्टर साहब, 2.5 लाख रुपए के हीरे लेकर कोई इस मामूली होटल में आएगा? ये सोचने की बात है इंस्पेक्टर साहब, सोचिए आप। ठीक है, यही पूछना था। अच्छा, अगर कहीं दिख गया तो हमें खबर भेज देना। कहिए। अंदर आ सकता हूं मिस्टर विजय कुमार? अंदर क्यों क्यों, क्या बात है? आपको कोई ढूंढता हुआ यहां आया था। ढूंढता मुझे कौन? बात क्या है, क्या बात है? तुम कानून की नजरों में धूल झोंक सकते हो विजय कुमार, लेकिन मेरी नजरों में नहीं। मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं। पुलिस तुम्हें चारों तरफ तलाश कर रही है, मेरे एक इशारे पर तुम जेल की सलाखों के पीछे पहुंच सकते हो। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो विजय, खैरियत इसी में है कि ये हीरे मेरे हवाले कर दो। हीरे? कौन 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 कौन? शट अप। कैसे हीरे? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैं उन हीरों की बात कर रहा हूं बेटे, जो तुमने जमुना दास ज्वेलर्स के यहां से चुराए हैं, और वो इस सूटकेस में मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप सब कुछ जान गए तो ठीक है। अब आए हो ना बेटा रास्ते पर। मगर अगर आप मेरा भी तो कुछ हिस्सा होना चाहिए ना। अगर आप ही सारे हीरे ले गए और मुझे को कुछ नहीं मिला, तो मैं तो पुलिस के पास चला जाऊंगा, भले जेल चला जाऊं, मगर आपको आपका भी नाम ले दूंगा। सोच लीजिए। यार तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, उल्टा मुझे धमकियां देता है। देखो दोस्त, ये हीरे तो तुम मुझे दे दो, और मैं इस एरिया से पुलिस की आंखों से तुम्हें बचा के बाहर निकाल दूंगा। और तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो ये 10,000 तुम्हें देता हूं। 10,000? 2.5 लाख के हीरे 10,000 में? सुनो, मुझसे होशियारी तो ज्यादा करना नहीं, जो मैं कहता हूं करते हो, या मैं पुलिस को फोन। ठहरिए, मुझे मंजूर है, मुझे पहले हीरे। हाँ। हीरे। पूरे 2.5 लाख के हैं। 10,000 हैं। अब मेरे यहां से निकल जाने का भी इंतजाम कर दीजिए। फिक्र मत करो, पुलिस की गाड़ी नीचे तुम दोनों का इंतजार करो। इंस्पेक्टर साहब, आप तो चले गए थे ना,
लेकिन बहुत अच्छा वापस आ गए पकड़ ली से। ये वही आदमी है जो वो हीरे सर ये हीरे चुरा के भागा था। लो भैया अपने हीरे अपने पास रखो, तुमने चुराए हैं खुद ही रखो। इंस्पेक्टर साहब मैंने बिल्कुल ठीक कही ना बात? चुप, मैंने सब सुन लिया। वो हीरे मेरे हवाले कर दो और 10,000 रुपए भी। मैनेजर साहब चोरी करना जुर्म है, चोर की मदद करना जुर्म है और चोरी का माल खरीदना भी जुर्म है। अब आप भी जेल की चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाइए। कम ऑन। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो लेकिन हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। आप हमें छोड़ दीजिए, वो हीरे भी आप रख लीजिए और ऊपर से अगर मुझ जैसे चोर को ये 10,000 दे सकते हैं तो भगवान की दया से इतने बड़े पुलिस ऑफिसर को मेरा मतलब है कि हाँ 10,000 का 15,000 ले लीजिए इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? अरे नहीं सर, ये रिश्वत कहाँ है, बच्चों की मिठाई के लिए है। अजय हाँ, बच्चों की मिठाई, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन। तुम चुप रहो जी, तुम्हें क्या मालूम बड़े अफसरों से कैसे बातें की जाती हैं। सर ये 5,000 और ले लीजिए, 15,000 हो गए, और मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन आइंदा ऐसी गैर कानूनी हरकत मत करना। और तुम चलो। हाँ हाँ साहब ले जाइए, एक तो चोरी करता है ऊपर से शरीफ आदमियों को अपने साथ फंसवा देता है। Fantastic! What a beauty! क्या बात है, लाजवाब है। चलती क्या है? ऐसा लगता है जमीन बने हवा में तैर रही हो। नया मॉडल लगता है, कंडीशन भी A1 है। वाकई बहुत अच्छी कंडीशन है। वाह, रंग कैसा लगा तुम्हें? दिल चाहता है इस रंग में कभी भंग ना पड़े। बड़े संभाल के चलाने वाली चीज है। बहुत संभाल के। ये बॉडी तो कमाल की है यार, शेप देखा इसका? वही तो देख रहा हूं बबुआ। एक बात है लेकिन, महंगी बड़ी होगी। अनमोल। मगर ये कि भाई कभी बिगड़ने वाली चीज नहीं है, और अगर मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए आराम हो जाए। इसमें क्या शक, बहुत आराम हो जाए। जब एंटर हुई थी तो देखा था? हाँ कोई फॉरेन कार में आई थी। हैं? फॉरेन कार में आई थी? हाँ। कौन आई थी भाई? जो कार में आई थी वो अमा कमाल करते हो यार, मैं इतनी देर से कार की बात कर रहा हूँ और तुम ये बेकार की बातें कर रहे हो। ये बेकार की बात है? तुम्हारे दिल में सीना नहीं, पत्थर है, पत्थर। अबे दिल में सीना नहीं, सीने में दिल होता है। एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है मैं कौन सा ऑपरेशन करने वाला था। तुम तो हर बात का एक लीगल पॉइंट निकाल लेते। कुछ नहीं, मैंने पूरी रकम चाहिए आज। सेठ जी मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगी। देखो मैडम, मैं उधार देने का धंधा करता हूँ, मोहलत देने का नहीं। मोहलत चाहिए तो कोई दूसरा साहूकार ढूंढ लो, मैंने तो मारी रकम और 3% ब्याज दे दो। देखिए आपका पैसा आपको मिल जाएगा, मैं आपको जबान देती हूँ। मारे पास मारी जबान है और बहुत बढ़िया काम देती है, थारी एक्स्ट्रा जबान लेके क्या करूँगा। मैंने तो मारी रकम चाहिए, थारी जबान नहीं। अच्छा ठहरिए, कितना पैसा है आपका? ब्याज पकड़ के 30,000 होता है। 30,000? देखिए वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, वो तो 30,000 से कहीं ज्यादा की ही है। मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, आप अपने 30,000 के बदले में मेरी गाड़ी ले लीजिए। ये गाड़ी कम से कम 1,00,000 की होगी। नहीं नहीं नहीं, या तो खोटो धंधो है, थारी गाड़ी है तू ही बेच, मैंने तो मारी रकम दे दे। ठीक है मैं बेच दूंगी, लेकिन सेठ मोटर गाड़ी और सब्जी तरकारी में कुछ तो फर्क होता है, ये इतनी सड़क पर खड़े खड़े तो नहीं बेची जा सकती, इसे बेचने के लिए मुझे 2-4 दिन की मोहलत। नहीं 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 नहीं, मोहलत तो हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है, आज या तो मैंने हमारी रकम मिलेगी या तू जेल जाएगी। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है सेठ जी। बहुत अच्छे, ये तो वही बात हुई वो क्या कह रहे हैं ना कि तू कौन कह मैं खामखा। अरे जाओ भाई जाओ, धंधे की बात करने दो।
हम भी धंधे की बात करने आए हैं सेठ जी। अगर आप इजाजत दें तो। जी आप लोग हैं कौन और चाहते क्या हैं? हमें आप अपना दोस्त अपना हमदर्द समझिए। क्या दो मिनट के लिए हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं? बैठिए। जी शुक्रिया। हाँ तो सेठ जी आपके कितने पैसे इनको वापस करने हैं? वाह राजा हरिश्चंद्र, ऐसे पूछ रहे हो जैसे मालूम पड़ते ही नोट टेबल पे रख दोगे। अरे वाह नोट भी असली है। जी मैं तो आप लोगों को जानती नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरा नाम रवि है, ये विजय। हम दोनों भाई पास की टेबल पर बैठे थे और जिस तरह से ये सेठ जी आपको धमकियां दे रहे थे हमसे सुना नहीं गया। आप कर्ज उतारने के लिए कार बेचने को तैयार हैं, हम आपकी मदद करने के लिए कार खरीदने को तैयार हैं। I see. सिर्फ आपकी मदद के लिए, वरना हमें इस कार की कोई जरूरत नहीं और ना ही हमें कोई शौक। वाह भाई वाह। पुष्पा जी कौन कहता है दुनिया में इंसानियत नहीं है? कितने है भाई? पूरे 30,000। पूरे 30? पूरे ही होंगे, अब तुम कहते हो तो गिन लेता हूँ। आप लोगों ने ये कार खरीद कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। देखिए अब शर्मिंदा कर रही हैं आप हमें, इसमें क्या बात है? आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। गाड़ी की चाबी ये लीजिए। कितना अजीब इत्तेफाक है कि आप लोगों से इस तरह मुलाकात हुई, और मुझे तो लगता है कि भगवान ने आप दोनों को मेरी मदद के लिए ही भेजा है। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम खुद ही आ गए। और गाड़ी के कागजात? वो आप मेरे घर आके ले लीजिएगा। हाँ। ये रहा मेरा कार्ड। पुष्पा भार्गव। जी मेरा नाम है। बहुत सुंदर नाम है। पूरे 30,000 बेकार गिनवाए, मैं तो पहले ही कह रहा था। आपके पैसे मिल गए? बिल्कुल मिल गए, आइंदा पैसे की जरूरत होवे तो सेठ जी मरा नहीं है, बस हुक्म करना। आप लोग भी मेरा कार्ड रखो। ठीक है अब आप जा सकते हैं। थैंक यू मिस्टर रवि। मैं जाने से पहले आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा कर दूं, लेकिन एक बात जरूर है, कार में बैठते ही आपको इतना अंदाजा हो जाएगा कि आपने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। मैं कल सुबह चाय पर आप दोनों का इंतजार करूंगी। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय बाय। लड़की बहुत स्मार्ट है। लड़की तो स्मार्ट है लेकिन गाड़ी भी बुरी नहीं है। क्या पिकअप है गाड़ी का, जरा सा एक्सेलेटर दबाया हवा से बातें करने लग जाती है। हवा से बातें करने लगती? क्या बातें करने लगती है? मैंने तो नहीं सुनी। हाँ यार ऐसा कहते हैं, ये मुहावरा है। और ये सायरन है, ये कर रही है पुलिस हवा से बातें। पता नहीं आज कौन बेचारा फंस रहा है। चलाओ बाहर आओ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब हम तो बड़े आराम से चला रहे थे। मैंने कहा बाहर निकलो। मगर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? बात यह है कि ये गाड़ी चुराने के इल्जाम में तुम दोनों गिरफ्तार किए जा रहे हो, समझे? अरे मगर ये गाड़ी पुष्पा भार्गव ने खुद हमें दी है। बकवास बंद करो, ये गाड़ी किसी पुष्पा भार्गव की नहीं है, इसके मालिक का नाम है मानिकलाल मेहता और यह आज सुबह ही चोरी हुई है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब हमने तो ये अभी 30,000 रुपए नकद देके खरीदी है। अच्छा खरीदी है, थाने चलो इसकी रसीद हम तुम्हें देंगे। सुनो रवि। बोलो विजय। कुछ समझे? लड़की हमें चूना लगा गई। समझा। गाड़ी उसकी नहीं थी। समझा। पुष्पा भार्गव ये नाम भी उसका नहीं हो सकता। समझा।
इस वक्त वो आदमी और वो लड़की कहीं बैठे 15-15 हजार बांट रहे होंगे। समझा। और हम दोनों 30 हजार गवा के यहां हवालात में बैठे हैं। समझा। क्या समझे? ये कि यहां से निकलकर अब उनसे समझना है। यहां से कभी ना कभी तो छूटेंगे ही, लेकिन उन्हें ढूंढेंगे कैसे? एक ही आदमी है जो उनका पता लगा सकता है, अब्दुल। जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा, क्या हो नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। सर किसी के सामने झुक जाए मेरा, ये मुझे मंजूर नहीं। पड़े वक्त तो मोहताज सही, पर मैं मजबूर नहीं। सर किसी के सामने झुक जाए मेरा, ये मुझे मंजूर नहीं। पड़े वक्त तो मोहताज सही, पर मैं मजबूर नहीं। जान पे खेल जाऊं मैं वो जिगर रखता हूँ। जान पे खेल जाऊं मैं वो जिगर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा, क्या हाँ नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। ओ नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। किसने दिया किसने लिया, किसने कहां माल छुपा रखा है। मैंने इस दिल में सारी दुनिया का हाल छुपा रखा है। किसने दिया किसने लिया, किसने कहां माल छुपा रखा है। मैंने इस दिल में सारी दुनिया का हाल छुपा रखा है। बोल सकता हूँ जुबां बंद मगर रखता हूँ। बोल सकता हूँ जुबां बंद मगर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा, क्या हाँ नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। यार अब्दुल, अपने को एक छोकरी और उसके साथ एक अधेड़ उम्र के आदमी की तलाश है। वो अपने को शेंडी लगा गया यार। नाम वाम तो सही पता नहीं, लेकिन उस आदमी की ठुड्डी में ऐसा।
ऐसा गड्ढा सा था, और वो लड़की जो थी ना, हाँ बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल, गोरे गोरे गाल, और बात तो ऐसे करती थी। अम्मा छोड़ यार, इस वक्त तुझे लड़के की ब्यूटी याद आ रही, यहाँ 30,000 का फटका लग गया। 30,000 का? हाँ, वो छोकरी और उसका साथी सारा नाटक जमा कर 30,000 में चोरी की गाड़ी थमा गए अपने को। ये लफड़ा बांद्रा खाड़ के आसपास तो नहीं हुआ था? हाँ वही तो हुआ था, क्या तुम जानते हो उन दोनों को? ओ भाई, अरे बंद करिए बैंड बाजा, बताओ लोग कहाँ मिलेंगे? उनको तो ऐसा मजा चखाना है कि अरे बड़ा भाग आ रहा है। ठीक है ठीक है, मैं शाम को चल। मशीन देख रहा है बड़ू, जानते हो क्या है? हाँ पब्लिक टेलीफोन है। हाँ उसमें नंबर लगा लो, लेकिन जब तक उस मशीन में पैसा नहीं डालो ना, आवाज उसी तरफ नहीं जाएगी। तुम लोग क्या पूछ लो, बाप अपने को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये ले। अरे आप क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं जेब में ये अकेला बेचारा किससे बात करेगा। ये ले। लड़की का नाम है रेनू, वो आदमी उसके रिश्ते का चाचा है, अंकल, दोनों मिलकर सलाब बांध के मैसेज पादबाजी करते रहते हैं। रेनू उसका अंकल? हाँ। ये दोनों मिलेंगे कहाँ? अरे भतीजी, तुम ये जो दिन भर जुगाली करती हो ये तो ठीक है, लेकिन ये जो तोप चलाती हो ना, इससे किसी दिन मेरा हार्ट फेल हो ही जाएगा। नहीं 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 नहीं, बेकार बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई नई स्कीम सोचो अंकल। ये पेपर मैं मौसम का हाल मालूम करने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, एक आइडिया निकाल रहा हूँ। आइडिया, जरा एक मिनट। अंकल भाग। क्या भाग के? अरे बाप रे, वो रहे। नहीं तू उधर से। खबरदार भागने की कोशिश की तो है? अरे भागने का दम किसमें बचा है भाई, जो कोशिश करेगा। पैसा निकाले। पैसे? 30,000, पूरे 30,000। 30,000? कैसे 30,000? अभी भी होशियारी है? अबे एक हाथ दूंगा सब याद आ जाएगा, समझे? देखो टच करने की बात नहीं है, हाँ गाली देना है तो दे सकते हो। अबे पैसा निकाल। चल देखो मैं कहता हूँ छोड़ दो काल, अरे एक बार मेरा सर फिर गया तो बहुत भारी पड़ जाएगा। पैसा अभी मिल जाएगा। निकल निकल। अंकल ये पार्टी जरा टेढ़ी लगती है, काहे को झंझट में पड़ना, दे दो ना पैसे। तुम ठीक कहती हो भतीजी, मुझे भी ऐसा लगता है कि इनको हमसे ज्यादा पैसे की जरूरत है। कोई बात नहीं, दे देते। ये लो पूरे 25,000। 25? हाँ। बाकी ये 5,000 वो हम खा गए। ए, इधर आ। देखो देखो देखो, तुम फिर टच कर रहा है, दूर से बात करो। जोक विथ माउथ नॉट विथ हैंड। ये दूंगा अभी खींच के। देखो हीरो, अभी अपने पास 5,000 है नहीं, जिस दिन होंगे उस दिन दे देंगे। ये शराफत का राग किसी और को सुनाना, हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं मिस रेनू। जानते तो हम भी आपको बहुत अच्छी तरह से हैं मिस्टर रवि। हा? हमें आप दोनों के सारे चक्कर पता हैं। यही तो मैं भी बोल रहा था, आपस में झगड़ा करने से क्या फायदा, आखिर को हम पंछी एक डाल के आपस में मिलजुल कर दाना दुनका चुन लिया करें। एक आइडिया अपने पास बहुत तगड़ा, अगर सूट करता हो तो। नहीं 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 नहीं, अरे रखो नहीं, अपना आइडिया अपने पास, हमें हमारे 5,000 रुपए दे दो। एक मिनट रवि, एक मिनट, जो लोग हमें दांव दे जाए उनमें कुछ तो दम होगा। नहीं नहीं नहीं, सुन लेते हैं आइडिया यार। छोड़ यार। अरे मान जा यार। अरे क्यों नखरा करता है? ये देखो आज के अखबार में खबर है कि अगले इतवार को होटल शीश महल में महारानी कमलपुर जोरदार पार्टी दे रही है, और सुना है कि उनके गले में जो हार है उसमें लाखों रुपए के हीरे हैं। अगर हम चारों मिल जाए तो 50-50 मंजूर है। लेकिन हमारे 5,000 अलग से। लीजिए,
ये अभी तक वही अटके हुए हैं। अच्छा बाबा, तुम्हारे 5,000 अलग से, डन। डन डन। दोस्तों, जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना। Sean!
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। महारानी जी आपका हार। मेरा हार? अरे अरे महारानी जी, महारानी जी, इसने महारानी जी का हार गिरा दिया। क्या तुमने? नहीं तो। क्या तुमने? नहीं तो। क्या तुमने? नहीं तो। क्या तुमने? लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज, हमें अफसोस है जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि हमें पुलिस को बुलाकर आप सब की तलाशी लेनी पड़ेगी। आप बुरा ना माने, यह हमारे होटल की इज्जत का सवाल है, इसलिए आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि पुलिस के आने तक आप सब साहिबान अपनी अपनी जगह पर रहें प्लीज। ओह एक्सक्यूज मी। श्योर। लगता है कोई अपने ही हाथ मार गया है। लेकिन यहाँ से हार निकालना मुश्किल होगा। हम लोगों को क्या, हम लोग खाली जेब आए तो खाली जेब जाएंगे, लेने तो तलाशी क्यों विजय, लेने तो तलाशी। आइए आप जा सकते हैं, आप आइए। जाइए आप आइए। आप भी जा सकते हैं, आइए। सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं आपके गले की तारीफ करूं या आपके हाथों की, आपकी आवाज की तारीफ करूं या आपके अंदाज की, अपनी जीत की बात करूं या आपके हार की। सवाल यह है कि वो हार आपके कोट की जेब से गया कहां? जी नहीं, सवाल यह है कि ये मेरे कोट की जेब है या आपके बैंक का लॉकर कि जिसमें आप जब चाहें कोई भी जेवर रख सकती। I'm sorry. बात ये थी कि मैं घबरा गई थी। हम आपकी घबराहट की इज्जत करते हैं, लेकिन उस पार्टी में और भी तो जेबों वाले थे, आखिर आपने मुझे को क्यों चुना? और आपने ये भी नहीं सोचा कि अगर पुलिस मुझे हार समेत पकड़ लेती तो मुझे कितने बरस जेल के कंपाउंड में घबराए घबराए घूमना पड़ता। खैर छोड़िए, जो हुआ नहीं उसकी बात क्यों करें, बात तो उसकी करनी चाहिए जो हुआ। और हुआ ये कि मेरी खाली जेब में आपके खूबसूरत हाथों से एक कीमती हार आकर गिरा। और अब ये सवाल आपको बार बार सता रहा होगा कि मेरी जेब में आने के बाद उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। You're right. लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब भी वो हार जमीन और आसमान के बीच में है। ये देखिए। Fantastic. आप तो सचमुच ही कमाल के आदमी हैं। मानती हूँ। मानते तो हम भी आपको हैं, इसलिए कि बड़े बड़ों की नजर इस हार पर लगी थी, लेकिन ये हार आपके हाथ लगी। वेरी गुड। हम ऐसे कलाकारों की इज्जत करते हैं, इसलिए इस हार में आपका भी शेयर होना चाहिए। 50-50? नहीं मैडम। मैडम नहीं, सुनीता। सुनीता नहीं, सुनीता जी, इसलिए कि हम दोनों के अलावा इसके तीन हिस्सेदार और भी हैं जो कि मैडम, इस सायरन से आप पर क्या गुजर रही है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ता जा रहा है, इसलिए कि मेरी ऐसी फीलिंग सी है कि ये लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। मैडम मैडम, ये वक्त पीछे नहीं आगे देखने का है, भागिए भागिए।
इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। जय हिंद। मैडम, मिस्टर, आपने तो परेशान कर दिया, कितनी दूर भगाया हमको। जी, आप हमारे पीछे आ रहे थे। कमाल है, आपने पुलिस का सायरन नहीं सुना। सायरन? इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों बातों में कुछ इतने खोस गए थे कि। जी हाँ। बात क्या है? बात यह है कि आप जिस गाड़ी में बैठे हैं वो आपकी गाड़ी नहीं है। हमारी गाड़ी नहीं है? ओह, आई सी। अरे मगर ये कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया कि जहां आपकी गाड़ी खड़ी थी उसी के बराबर, उसी रंग और उसी मॉडल की एक दूसरी गाड़ी खड़ी थी, और आप अपनी गाड़ी के बजाय ये दूसरी गाड़ी ले आए। रियली? ओह, तो क्या आप इसी वजह से आप हमारे पीछे? जी हाँ। ओह इंस्पेक्टर साहब, आई एम रियली वेरी सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों पता नहीं किन ख्यालों में डूबे हुए थे, वरना आज तक हमसे ऐसी गलती तो कभी हुई नहीं। जी नहीं। आपका नाम? जी, आपका नाम? विजय, विजय कुमार। मिस्टर विजय कुमार, ये बात तो मेरी समझ में आती है कि एक ही जैसी दो गाड़ियां हो तो आदमी गलती से दूसरी गाड़ी में बैठ सकता है, लेकिन ये मैं नहीं मान सकता कि आपने हमारा सायरन सुना ही नहीं और इस तरह गाड़ी भगाते रहे। क्या मैं इस तरह भागने की वजह पूछ सकता हूं? तो आपने हमें पकड़ ही लिया। डार्लिंग जी, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, अब हमें सच बोल देना चाहिए। क्या? नहीं सुनीता, और कोई रास्ता नहीं है, अब और कोई रास्ता है ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, सच ये कि सुनीता के पिता लाला किरोड़ीमल अपनी इकलौती बेटी सुनीता की शादी सिर्फ दौलत के लिए सेठ फूलचंद के बेटे गुलाबचंद के साथ करना चाहते थे। जी। जबरदस्ती, उसकी मर्जी के खिलाफ, जो उन्हें करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब, सुनीता कानूनन बालिग है, वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती है। इंस्पेक्टर साहब, लाला किरोड़ीमल और सेठ फूलचंद ने हम दोनों के बीच सोने और चांदी की दीवार खड़ी करने की कोशिश की, मगर आज हम दोनों उस दीवार को तोड़कर शादी के पवित्र बंधन में बंधे जा रहे थे। हमें डर था इंस्पेक्टर साहब कि कहीं जालिम किरोड़ीमल और सेठ फूलचंद हमें किसी बहाने पुलिस के हाथों पकड़वाकर यह शादी रुकवाना दें, इसीलिए हम। देखिए मिस सुनीता, आप बड़ी हैं, समझदार हैं, आप कानूनन बालिग हैं। अगर आप ये शादी अपनी मर्जी से करना चाहती हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये जालिम समाज, ये पापी संसार, ये बेदर्द जमाना। नहीं नहीं मिस्टर विजय, आपको ये शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। बस एक बात का ख्याल रखिए। जी। जिस तरह आप दूसरे की गाड़ी को अपनी गाड़ी समझ लेते हैं, जी हाँ, बस शादी के बाद बीवियों के मामले में ऐसा धोखा मत खाइएगा। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी गलती अगर मैं फिर करूं तो जो सजा चोर की वो मेरी। ठीक है, ये गाड़ी हम ले जा रहे हैं जी, और आप अपनी गाड़ी होटल से पिकअप कर लीजिए। जी बेहतर है। बेस्ट ऑफ लक। आपका बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया। क्या सोच रही हैं? सोच रही हूं एक ही शहर में रहते हुए हम दोनों आज तक एक दूसरे से मिले कैसे नहीं थे। बड़ी पुरानी कहावत है, जब जब जो जो होता है तब तब
वो होता है। हेलो सलाम साहब। थैंक यू वेरी मच। पानी बन गया गुरु, अब हो भी जाओ शुरू। आते हैं बच्चा, मत कर बुमा बोम। ओ हरी ओ, देखो ये कितने भोले हैं, जब बोले ओम ही बोले हैं। ना इनको लालच माया का, ना दुख दुख धूप का छाया का, ना इनको गर्मी लगती है, ना इनको सर्दी। Yeah.
ऑफिसर जो तुम सबको फ्रॉड और धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार करने आया है। क्या जमाना आ गया है, मेरी बात तो छोड़ो, तुम दोनों तो उसके सगे भाई हो, तुमको इस तरह बंद कर दिया। ठीक कहा है किसी ने, आजकल भाई भाई का नहीं रहा। कमाल की बात करते हो अंकल, भाई भाई वाली बात नहीं है, हम ऐसे बेईमानी और हेरा फेरी के धंधे करेंगे तो भैया जैसा शरीफ और उसूल वाला पुलिस ऑफिसर क्या हमें छोड़ेगा। अजीब आदमी हो तुम दोनों, जिसने बंद किया है उसी की तरफदारी में बात कर रहे हो। भाभी भाभी, ये क्या फैमिली ड्रामा है भाई। चलिए इधर आइए आप दोनों। भाभी देखिए, भाभी पहले आप हमारी बात सुन लीजिए। एक मिनट भाभी, प्लीज आप हमारी बात सुन लीजिए। नहीं भाभी, पहले हमारी बात सुनिए। जो हो गया सो हो गया, हमसे गलती हुई हम मानते हैं, लेकिन हुआ यूं कि हम तो मजाक कर रहे थे और मजाक ही मजाक में बात बढ़ गई, तो हमने सोचा कि चलो लोगों को यूं ही बेवकूफ बनाते हैं, हमें क्या मालूम था कि क्यों ना भैया। हाँ भाभी, हम तो समझते थे कि ऐसे ही है, हमें क्या पता था कि दरअसल बात यह है कि दीजिए। मेरे हाथों का बना खाना बहुत दिनों से नहीं खाया तुम लोगों ने, हेलो। लेकिन मैंने ड्यूटी ऑफिसर से इजाजत ले ली है। हाँ लाओ, अच्छा किया ले आई, वरना अब तो कई महीनों तक हमें जेल की रोटियां तोड़नी पड़े। कितने दुख की बात है, जिनका भाई इतना ईमानदार और शरीफ इंसान हो वो लोग ऐसे काम करते हैं पकड़े जाए। वो तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं तुम लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन हाँ, एक भाई, एक पति और एक पिता होने से कहीं पहले वो एक ऐसे पुलिस अफसर हैं जो कानून की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ बाजी पर लगा सकते हैं। क्या? Are you sure? ठीक है। क्या हुआ रंजीत? हमारे बोट्स, सारा सामान पुलिस ने पकड़ लिया। My God! फिर वही ऑफिसर? हाँ, शिव कुमार। अब प्रॉब्लम तो यह है कि शाकाल साहब को पता चला तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। लेकिन शाकाल साहब को बताना तो पड़ेगा ही। वो तो मैं भी जानता हूं, लेकिन कौन कहेगा उनसे। मेरे ख्याल से तो हम सबको चलना चाहिए। Shaka!
शकल साहब। सिट डाउन जेंटलमैन, सिट डाउन। शकल साहब, हमें एक न्यूज देनी थी आपको। मैं जानता हूं, बैठो। तुम लोग समझते हो कि तुम मुझे कोई ऐसी खबर सुना सकते हो जो मैं पहले से नहीं जानता, क्यों? लेकिन आज मैं तुमको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आज तक तुमने न देखी होंगी और न सुनी। पहली बात, ये इत्तफाक नहीं था कि पुलिस ऑफिसर शिव कुमार ने हमारी बोट, हमारा लाखों का सामान पकड़ा, बल्कि हमारे ही एक आदमी ने उसको इंफॉर्मेशन दी। हमारे किसी आदमी ने? हां, हमारे ही किसी आदमी ने। खैर, जो हो गया सो हो गया। ये मेरा नया शौक है, मेरा नया खिलौना। नहीं समझे? समझ जाओगे। अब तुम इस खिलौने का खेल दो। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। क्यों, हमारा खेल पसंद नहीं आया? खैर, हम उस आदमी के बारे में बात कर रहे थे जिसने हमारे सामान के बारे में पुलिस को इंफॉर्मेशन दी। मैं जानता हूं वो आदमी कौन है। आप जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। वो आदमी तुम में से एक है। क्या? हां, तुम में से एक। तुम लोग ठीक सोच रहे हो। हर एक कुर्सी के लिए यहां एक बटन है जिसे दबाते ही आदमी इस भूखे मगरमच्छ की खुराक बन सकता है। लेकिन शाका साहब, वो हम में से कौन है? हो सकता है तुम हो, तुम भी हो सकते हो। नहीं, या तुम, या तुम। थोड़ी देर में तुम चारों में से बाकी तीन ये जान जाएंगे कि वो गद्दार कौन है।
क्योंकि उसके जिस्म के टुकड़े इस भूखे मगरमच्छ के तेज और नुकीले चबड़ों में होंगे। शकल साहब नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। गुड्डी हमारी, बताओ बेटा कहाँ चले? वहाँ चैंपियन पे। अच्छा संतरी जी, आज्ञा दीजिए, एक बार अंदर आए थे फिर कभी नहीं आएंगे। चलो रवि। हाँ चलो भाई चलो, आदमी जितनी जल्दी जेल से दूर हो जाए उतना ही अच्छा है, क्या पता कब इनका इरादा बदल जाए। चलो ठहरो रवि, आओ इस जेल की ऊंची ऊंची दीवारों की कसम खाकर अहद करें कि आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमें इन दीवारों के उस तरफ जाना पड़े। सचमुच मुझे बहुत हो गया, अब हमें शराफत की जिंदगी शुरू करनी चाहिए। इरादा तो अच्छा है भैया। हाँ आज तुम मुझे भैया कह सकते हो, इसलिए कि उस दिन तुम दोनों को गिरफ्तार एक पुलिस अफसर ने किया था, लेकिन आज इस जेल के गेट पर एक भाई अपने भाइयों का इंतजार कर रहा था। भैया
हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दीजिए भैया, हम जानते हैं कि हम दोनों की वजह से आपको कितनी तकलीफ पहुंची होगी। मेरे माफ करने या ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें अपने किए की सजा मिल चुकी है। मैं तो एक भाई होने के नाते सिर्फ इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि अब तुम लोग यह वारगी, यह गैर जिम्मेदारी की जिंदगी छोड़कर सही रास्ता अपना लो। यकीन कीजिए भैया, अब ऐसा ही होगा। गुड, वेरी गुड। चलो घर चले। भैया, समझ में नहीं आता कि भाभी के सामने ये मुंह लेकर कैसे जाएंगे। अरे फिक्र मत करो, आज तुम्हारी भाभी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। क्यों? आज का दिन उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज आपकी शादी की सालगिरह? अरे बस बस बस, फिर तो हम ऐसे आएंगे कि मतलब क्या है? उन स्मगलर्स के पास जाकर माफी मांगूं या अपनी जान बचाने के लिए बुजदिलों की तरह ये नौकरी छोड़ दूं? भैया, बात हमेशा बुजदिली या बहादुरी की नहीं होती, कभी कभी जिम्मेदारियों की भी होती है। हम ये नहीं कहते कि जिंदगी में फर्ज की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन फर्ज के नाम पर इस तरह जान खतरे में डाल देना कहां तक ठीक है? भैया देखिए ना, अगर यही हालात विजय या मेरे सामने होते तो और बात होती, लेकिन आपको भाभी और गुड्डी के लिए भी तो सोचना चाहिए। ठीक है, तुम दोनों ठीक कहते हो। मैं शीतल और गुड्डी के लिए अपनी नौकरी छोड़ देता हूं, लेकिन तुम दोनों ने कभी यह भी सोचा कि मेरी जगह जो दूसरा पुलिस ऑफिसर आएगा उसकी भी बीवी होगी, उसके भी बच्चे हो सकते हैं? अगर दुनिया का हर पुलिस ऑफिसर अपनी हिफाजत के बारे में सोचना शुरू कर दे तो शायद कानून जैसी कोई चीज ही ना बचे। आप नहीं जानते भैया कि भाभी आप क्यों नहीं समझाती भैया। इन मामलों में मेरी बातें कहां सुनते हैं? लाखों बार यही बातें मैंने कही हैं, लेकिन कोई मानने वाला हो तब ना। ओफो, तुम सब ने तो मिलकर राय का पर्वत बना लिया है। आखिर मुझे हुआ क्या है? आज तक तो कुछ हुआ नहीं, और अगर कुछ हो भी गया तो फिक्र क्या है? तुम दोनों तो हो शीतल और गुड्डी की देखभाल करने के लिए। अरे जैसे जिंदगी ने दो जवान भाई दिए हूं, वो मौत से कैसे डर सकता है? हेलो शिवियर। मिस्टर शिव कुमार, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मुझे आपकी पनाह चाहिए। लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? रंजीत, वही रंजीत जिसने आपको शाकल के सामान के बारे में खबर दी। शाकल को सब कुछ पता लग चुका है, उसके आदमी मेरे पीछे लगे हुए हैं। मैं अहमदाबाद हाईवे के चाइना ब्रिज के पास से बोल रहा हूँ, आप फौरन यहाँ आ जाइए, जल्दी प्लीज। हेलो हेलो हेलो, चले गए।
पता नहीं, कोई फोन आया और अचानक चले गए। मिस्टर शिव कुमार, माफ कीजिए, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा। मैं पूछ सकता हूं कि मुझे इस तरह यहां क्यों लाया गया है? मिस्टर शिव कुमार, आप शायद ये नहीं जानते कि आप इस वक्त बंबई में नहीं, बंबई से 300 मील दूर एक जजीरे में हैं, और यहां सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझको है और बाकी लोग मेरे सवालों का जवाब देते हैं। खैर, आप यहां अजनबी हैं इसलिए आपकी बात का मैं बुरा नहीं मानूंगा। क्या पिएंगे? शराब तो आप पीते नहीं। लगता है मेरे बारे में आप काफी जानते हैं। काफी नहीं, सब कुछ। लेकिन अपनी तारीफ आपने अभी तक नहीं की। अब अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं मिस्टर शिव कुमार? बस इतना बताए देता हूं कि पिछले दिनों जो आप पर कातिलाना हमले हुए वो मैंने ही करवाए थे। लेकिन ये आपकी किस्मत की खूबी थी या गोली चलाने वाले के निशाने की खराबी कि आप बच गए? तो क्या यही मुबारकबाद देने के लिए मुझे यहां लाया गया है? नहीं मिस्टर शिव कुमार, मुबारकबाद तो मैं आपको देना चाहता हूं आपकी बहादुरी की, आपकी हिम्मत की और हौसले की। शुक्रिया। और साथ ही एक मशवरा भी देना चाहता हूं, और यह मशवरा आप चाहें तो बहुत कीमती हो सकता है, लाखों करोड़ों का मशवरा। मैं सुनने के लिए बैठा हूं। गुड, आई। मुझे आपकी एक बात ने बहुत मुतासिर किया। आप जानते थे कि आपकी जिंदगी खतरे में है, लेकिन फिर भी किसी कदम आप डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। मैं सोच रहा था, जो आदमी पुलिस की मामूली सी तनख्वाह के लिए अपनी जान यूं बाजी पर लगा सकता है, वो लाखों करोड़ों के लिए क्या कुछ नहीं कर दिखाएगा। और उन लाखों करोड़ों के लिए मुझे करना क्या होगा? मेरे लिए काम? अगर आपको दौलत का जरा सा भी शौक है तो आप मेरे ऑफर से इनकार नहीं कर सकते।
और अगर मैं ये कहूं कि मुझे बाप के कीचड़ से निकाली गई दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं, अगर मैं ये कहूं कि मुझे आपका ऑफर मंजूर नहीं, तो आपकी मर्जी। वैसे इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने मेरी बात से इनकार किया हो, इसलिए कि जिन लोगों ने मेरी किसी भी बात से इनकार किया था उनमें से कोई भी इस दुनिया में नहीं रहा। आई सी। मिस्टर शिव कुमार, आप इस वक्त अपनी मौत के दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन आप चाहें तो जिंदा रह सकते हैं। न सिर्फ जिंदा बल्कि अमीर और कामयाब। सोच लीजिए जनाब, मुझे अपने उसूल प्यारे जरूर हैं, लेकिन उनके लिए मर जाने से क्या फायदा, इसलिए कि मैं ही नहीं तो मेरे उसूल भी किस काम के हैं। मेरे ख्याल में समझदारी इसी में है कि आपकी बात मान ली जाए। गुड, आइए। Thank you.
धनसुख, ओ धनसुख। जी मैम साहब। लॉन्ड्री से साफ के कपड़े लाए? नहीं मैम साहब। नहीं मैम साहब, तुमको तो जब तक एक बात 10 बार न कही जाए तुम याद थोड़ी रहता है। मम्मी मम्मी, मिठाई मैं खाऊं? खाओ, लेकिन ज्यादा नहीं खाना। क्यों? क्योंकि फिर अब खाना नहीं खाती। लेकिन खाना तो आप ही नहीं खाती। मैं तो खाती हूँ। आज आपने कब खाना खाया? अरे पगली, आज करवा चौथ है। जो मम्मी होती है ना, वो करवा चौथ के दिन खाना नहीं खाती। क्यों? इसलिए कि डैडी की उम्र बहुत लंबी हो जाए। आया इस छोटे से सर में, जाओ। अरे तुम अभी तक यहीं खड़े हो? अजी। ए सुनो। अजी मैम साहब। एक बेनी भी लेते आना बाजार से। बेनी? हाँ, वो फूलों की होती है ना, जो बालों में लगाते हैं। हाँ, समझ गए मैम साहब, समझ गए। ओफो, ये गुड्डे की बच्ची जहाँ खेलती है वही खिलौने छोड़ देती है। कहाँ हैं आप दोनों महाशय? एक बार गए तो बस गायब, पता ही नहीं। और आदतें कितनी भी अलग हो, लेकिन ये बिना कहे गायब होने की आदत आप तीनों भाइयों में है। कल से गए हैं, रात को भी नहीं आए। आएंगे कुछ कहूँ तो फिर वही लेक्चर। तुम औरत जात नहीं समझती, एक पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या है। देखो ना, कल से स्वेटर पड़ा है नाप के लिए। अरे विजय, क्या बात है? हाँ, क्या बात है? भाभी, रवि तू बोल। विजय, रवि, रवि, क्या हुआ? भैया, भैया अब इस दुनिया में नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो रवि, रवि तुम झूठ बोल रहे हो। कह दो, कह दो, कह दो कि झूठ है, कह दो कि झूठ है, ये झूठ है। झूठ है, झूठ है। सुनिए, आप लोग शिव कुमार के भाई हैं। मैं उनके खून के बारे में आपको कुछ बता सकता हूं। कहिए। सारी बातें यहां तो नहीं हो सकती। ठीक है, अंदर आइए। मेरा नाम राकेश है। एक जमाने में मैं सर्कस में निशाने का तमाशा दिखाया करता था और ऐसा। आप हमारे भाई के खून के बारे में क्या बता सकते हैं? ये क्या बताएगा, यही तो तुम्हारे भाई का खून ही है। भाभी, भाभी, ये क्या? छोड़ दो, छोड़ दो, मैंने इस आदमी को अपनी आंखों से पूरी तरह देखा है।
हाँ यह सच है कि मैंने तुम्हारे भाई पे गोली चलाने की कोशिश की, मगर यह भी सच है कि ना मैं उनका खून करना चाहता था ना ही मैंने उनका खून किया है। इतना तो सोचो, अगर मैंने तुम्हारे भाई का खून किया होता तो मुझे तुम्हारे पास यहां आने की क्या जरूरत थी? लेकिन तुमने खुद कहा कि तुमने हमारे भाई पे गोली चलाई थी। यही तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। मैं एक सर्कस में काम करता था, वहां मैं अपने पिस्तौल का निशाना दिखाता था। तुम शायद मानो नहीं, लेकिन मैं आंख बंद करके सिर्फ आवाज पे गोली चला सकता हूं। एक दिन राकेश साहब, आपकी तारीफ। तारीफ तो हम आपकी करने आए हैं राकेश साहब, और आपकी मदद मांगने। मैं समझा नहीं। आप अगर हमारे साथ चलें तो शाकाल साहब आपको खुद ही समझा देंगे। तुम ये जानना चाहोगे कि तुम्हें यहां इस तरह क्यों लाया गया है? जी। जवाब ये है कि तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा। काम बहुत मामूली है, तुम्हें एक आदमी को शूट करना। जी। ये काम तुम्हें हम इसलिए दे रहे हैं कि तुम एक कलाकार आदमी हो। तुम उड़ती चिड़िया के परों को गिन गिन के शूट कर सकते हो, और हम तुम्हारी कला की इज्जत करते हैं। वो आदमी जिसे तुम्हें गोली मारनी है उसका नाम है शिव कुमार। मैं कोई पेशावर कातिल नहीं हूं। आप समझते हैं कि आप मुझसे कहेंगे और मैं आपके लिए किसी का खून कर दूंगा? हम समझते नहीं, जानते हैं। क्या जानते हैं आप? यही कि तुम्हें अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। क्या मतलब? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? अभी पता लग जाएगा। क्या तुम्हें यह बताने की जरूरत है कि अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो तुम्हारी बीवी का क्या अंजाम होगा? देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम हमें नहीं जानते, हम कुछ भी कर सकते हैं। सवाल यह है कि तुम हमारा काम करोगे या नहीं। ऐसा काम तो मैंने आज तक नहीं किया। आदमी दुनिया में हर काम कभी ना कभी तो पहली बार करता है। ये बीवी भी तो तुम्हारी पहली है, क्या पहली बीवी के लिए पहला खून नहीं करोगे? मैं मजबूर था, तुम्हारे भाई का खून नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी बीवी की जान बचाने के लिए मुझे वक्त की जरूरत थी, इसलिए सिर्फ दिखावे के लिए मैंने दो बार तुम्हारे भाई पे गोली चलाई और जानबूझकर निशाना गलत लगाया। एक दिन मुझे खंडाला की पहाड़ियों पर एक आलीशान मकान में बुलाया गया। आओ राकेश आओ, घबराओ मत,
जिस तरह तुम मुझे देख सकते हो और सुन सकते हो, उसी तरह मैं भी तुम्हें देख सकता हूं और सुन सकता हूं। शाकाल साहब, मैंने इसलिए तुम्हें यहां बुलाया है कि आज मैं तुम्हारी बीवी को आजाद कर रहा हूं। वो देखो, सामने खिड़की से बाहर देखो, देखा राकेश? शिव कुमार को मारने में तुम दो बार नाकाम रहे, फिर भी मुझे यही उम्मीद है कि आज तुम अपनी बीवी को बचाने में नाकाम नहीं होगे। जी हां, एक बात बताना मैं तुम्हें भूल गया, जिस कार में तुम्हारी बीवी इस वक्त पहाड़ी की आड़ी टेढ़ी सड़कों से उतर रही होगी, उस कार में ब्रेक्स नहीं है। क्या? जल्दी जाओ, उसकी जिंदगी खतरे में है। शाकाल बास्टर्ड। लक मिस्टर राकेश एंड गुड बाय। अरे यहां इसलिए आया था कि जिस राक्षस ने इस घर में आग लगाई है, मेरी खुशियों को भी उसी ने भस्म किया है। जो दुख और नफरत की ज्वाला तुम्हारे सीनों में है, वही मेरे दिल में भी है। अच्छा किया तुम यहां आ गए। नेकी और बदी की इस जंग में तुम हमारी मदद कर सकते हो और हम तुम्हारी। हम तीनों मिलकर पाप के रावण की इस लंका को जलाकर खाक कर देंगे राकेश। आज से तुम हमारे दोस्त हो, साथी हो, भाई हो, और हमें जालिमों से यह लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़नी है। बादशाह, अपना पूरा स्टोरी तो सुनो यार। अभी जिस दिन तुम्हारे भाई का बाड़ी झोपर मिला, तो दूसरे दिन अखे बंबई के पेपर में छपा पुलिस अफसर का मर्डर। हां छपा था तो? बस उसी दिन की बात है। अपना रघुनाथ गाड़ी चला रहा था और ये कुमार सेठ कोई तिवारी साहब के साथ पीछे बैठा रहा था। दोनों तो बहुत दारू पिए हुए थे, तो घेटली में दोनों तुम्हारे भाई के मर्डर की बात कर रहे थे। एक आदमी का नाम साथ में बहुत बार ले रहे थे, शाकाल साहब करके कुछ ऐसा बोलते थे, ये पुलिस वाला क्या बेचता था, शाकाल साहब किसी का भी छुट्टी कर सकता है, क्या समझे? और क्या कह रहे थे? पूरी बात अपना रघुनाथ समझा नहीं। सर वो क्या है कि थोड़ा कुछ हिंदी में बात करते थे और थोड़ा इंग्लिश में, और इंग्लिश रघुनाथ समझता नहीं है, ये लफड़ा हो गया। ये ले अब्दुल। नहीं नहीं, इस काम का अपन पैसा नहीं लेगा। रख ले यार। बादशाह, अब्दुल को इतना हरकत समझता है क्या? अरे तुम्हारा भाई मरा ना,
अपन को लगा कि अपना कोई सगे वाला मरा है। पॉकेट में रख ले, अपना अल्लाह देखता है बाप, ऐसा पैसा अपने पे हराम है क्या? और हाँ, वो हरकट कुमार साहब रोज रात को वीनस हेयर कटिंग सलून में शेव कराने को आता है क्या? वीनस हेयर कटिंग सलून। कुमार साहब एक मिनट, जरा उस तरह की धार तेज कर लूं। जगह तो सही लग रही, तुम अंदर चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूं। क्या है ये क्या कर रहे हो तुम? डीसीपी शिव कुमार के खून के बारे में क्या जानते हो तुम? डीसीपी शिव कुमार? मैं किसी डीसीपी शिव कुमार को नहीं जानता। शाकाल को तो जानते हो? शाकाल? कौन कौन शाकाल? कुमार, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश की तो गर्दन काट कर सामने मेज पर रख दूंगा। देखो भाई, ये रेजर हटा लो, मेरी बात सुनो। मेरा ख्याल आपको कुछ गलत फहमी हुई है, लगता आप मुझको कोई और। ये खेल कूद बहुत हो चुका है, अब जरा काम की बातें कर ली जाएं। कौन हो तुम? शाकाल के बारे में क्या जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता। भागो मत। सच सच बताओ, क्या जानते हो तुम शाकाल के बारे में? मैं सच कह रहा हूं, मैंने उसका नाम जरूर सुना है, लेकिन उसको कभी देखा नहीं। किससे सुना उसका नाम? कुमार से, जिसके लिए मैं काम करता हूं। और वो शाकाल के लिए? हाँ। क्या करता है वो शाकाल के लिए? क्या करता है वो शाकाल के लिए बोलो। ब्लैक मार्केटिंग, उसके अनगिनत गोदाम है जिनमें वो लाखों करोड़ों का सामान छुपा के रखता है। मुझे उन गोदामों का पता चाहिए। नहीं, वो लोग मुझे मार डालेंगे। और अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। गोदामों का पता? बताता हूं। हुआ यूं कि वो गोदाम दिन दहाड़े
तुम्हारी आंखों के सामने लूट लिए गए, जला दिए गए और तुम मजबूर बेबस तमाशा देखते रहे। क्यों, अब मुझसे क्या चाहते हो? मैं हंसूं कि रोऊं? जगमोहन, तिवारी, कुमार, तुम तीनों मेरे खास आदमी हो, मेरे दरबार के तीन रत्न, और आज ये तीन रत्न मेरे पास स्कूल के बच्चों की तरह शिकायत लेकर आए हैं कि इनकी आंखों के सामने तीन मामूली से आदमियों ने शाकाल की शान की धज्जियां उड़ा दी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, और उस वक्त तक मुझे सूरत मत दिखाना जब तक उन लोगों का बंदोबस्त कर दो जिन्होंने हमारा रास्ता काटने की जरूरत की है, समझे? नॉटी गर्ल। रास्ता ठीक है ना? हाँ ठीक ही होगा। आप ठीक ही कह रही थी। क्या मतलब? यही कि ये रास्ता ठीक नहीं है, लगता है सही रास्ता हम पीछे छोड़ा है। कीजिए जल्दी से बाहर निकले। याद है ना, काम ठीक तरह से हो जाए तुम सबको 2,000 इनाम। यही सोच रहा हूं, यहां से निकलने की सिर्फ एक ही तरकीब है, वो जीप, और उस जीप तक पहुंचना। शीतल जी, गाड़ी की डिक्की में बंदूक भी है और गोलियां भी। लेकिन आपने एक कदम भी बाहर रखा। फिक्र मत कीजिए, मैं किसी तरह बंदूक निकाल कर वो जीप यहां ले आऊंगा, आप दोनों सिर्फ तैयार रहिए। Thank you.
कर रही हैं आप? मरना चाहती हैं क्या? इस तरह भाग कर आ रहा? आपको गोले लगे थे तो मैं घबरा गई। गुड्डी कहाँ है? मम्मी! गुड्डी, गुड्डी, गुड्डी! गुड्डी! अच्छी क्या कर रही हैं आप? राकेश, अगर इस बच्ची की जिंदगी चाहते हो तो दोनों हाथ उठाए आराम से बाहर निकल आओ। मेरी बच्ची। होश रखा लीजिए, होश रखा लीजिए। अगर एक मिनट के अंदर तुम बाहर नहीं आए तो घबराइए मत, गुड्डी को मैं लेकर आता हूं। ठहरो, बंदूक नीचे रख दो। शाबाश, अब बढ़ते रहो। ये तो हुए तुम, वो औरत कहां है? देखो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मैं तुम्हारे सामने हूं। इन दोनों को जाने दो यहां से। हम किसे जाने दें और किसे रोकें ये बाद में सोचेंगे, पहले तुमको। साहब। हाँ टोनी, क्या हाल है? ठीक हूँ साहब। आज सुनीता मैम साहब नहीं आई? बस उन्हीं का इंतजार है। कुछ लाऊं साहब? थोड़ी देर बाद। जी साहब। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। मैं थोड़ी देर के लिए आपके टेबल पे बैठ सकती हूँ? ओह श्योर श्योर, व्हाई नॉट, प्लीज बैठिए बैठिए। देखिए और पूछ पूछ। थैंक यू। यह इतना क्राउड है कि कोई टेबल ही खाली नहीं है। जी हाँ, क्राउड तो है, और क्राउड तो बढ़ता ही जा रहा है ना, वो तो बढ़ेगा ही। यू सी, देश की आबादी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है, इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी हाँ, वो तो है ही, पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऐसा है। जी हाँ, बस यही कह रहा हूँ मैं। हाँ। आप तो समझ गई, और समझेंगी क्यों नहीं। सूरत शक्ल से ही लगता है कि आप एक पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट और समझदार लड़की हैं। काश की दुनिया का हर इंसान आप जैसा समझदार होता। शादी हो गई आप? जी नहीं, अभी तक नहीं हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, तब तो हम और आप एक ही कश्ती में सवार हैं, इसलिए कि शादी तो मेरी भी नहीं हुई है। वैसे देखा जाए तो शादी बड़ी अजीब सी चीज है। पल भर पहले जो अजनबी होते हैं देखते देखते जिंदगी भर के लिए एक हो जाते हैं। लेकिन शादी के बारे में भी दुनिया में दो विचारधारा है मिस आशा। आशा विजय, हेलो। हाँ तो मिस आशा, मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग शादी को जरूरी समझते हैं, कुछ लोग उसे बेवकूफी समझते हैं। आपका क्या ख्याल है शादी के बारे में? मैं समझती हूँ शादी एक ऐसी बेवकूफी है जिसे करना बहुत जरूरी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने, वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन बच्चे सिर्फ दो होने चाहिए। हाँ समझ गया मैं आप क्या कहना चाहती हैं। हम दो, हमारे दो। साथ कुछ लाऊं? हाँ हाँ, क्या पियोगी? कॉफी। कॉफी ठीक है भाई, दो कॉफी लियो। अच्छा सर, दो बच्चों से तुम्हारा क्या मतलब है? दो लड़के या दो लड़कियाँ या एक लड़का और एक लड़की? बड़ी चलाक हो तुम, पहले से सोच के रखा हुआ है। मैंने तो ये भी सोच लिया है कि उन बच्चों को क्या बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? लड़की बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। बहुत अच्छे, सच पूछो तो मैंने भी ऐसा ही सोचा था। अच्छा? और लड़का? क्रिकेट प्लेयर, जैसे सुनील गावस्कर। भाई वेरी गुड, अब तो वो हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। लेकिन एक बात है आशा, ऐसा तो नहीं होगा कि बचपन में ही वो क्रिकेट के चक्कर में पड़कर अपनी पढ़ाई लिखाई भूल जाए? ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो भाई, पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर उसने जरा भी लापरवाही की तो पिट जाएगा मुझसे। देखो विजय, यही तुम लोगों की गलत बात है, बच्चों को सिखाने के और भी तरीके होते हैं, ये क्या कि बस पिटाई कर दी। ठीक है भाई, तुम जानो और बच्चे जाने, बाद में मुझसे मत कहना।
इसलिए कि लड़की तो ठीक है, लेकिन अगर लड़के ने जरा भी गड़बड़ की तो मैं एक मिनट में उसको बोलूंगा कि आओ। शाबाश, बहुत अच्छे जा रहे हो। वो सुनीता कहाँ रह गई थी तुम? मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनीता है और ये बेचारी। कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। मैं आपके छोटे से परिवार को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। आप अपने बेटे को जब आउट करेंगे तब करेंगे, मैं अभी आउट हो रही हूँ। गुड बाय। गुड बाय। अरे सुनीता मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? डार्लिंग स्वीट हार्ट। ओहो, तुम तो मजाक ही मजाक में बुरा मान जाती हो, यही तो तुम्हें बुरी आदत है। रेनु प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई वाज ओनली जोकिंग। भाई मजाक कर रहा था, टॉम फूलरी कर रहा था। रेनु सुनीता कमाल करती हो तुम, जरा सी बात का बतंगड़ बना लिया तुमने। अरे भाई आदमी रेस्टोरेंट जाता है और कोई सामने आकर बैठ जाए तो उससे बात नहीं करेगा तो और क्या करेगा? तुम तो बिगड़ती हो तो बस बिगड़ ही जाती हो। अच्छा भाई वादा रहा, आज से घड़ी ऑल इंडिया रेडियो से मिलाकर रखूंगा, मजा ले कभी एक सेकंड भी लेट हो जाऊं। सुनीता रेनू देखो। हाय सुनीता। हाय रेनू, कैसी हो? हाँ कैसी हो तुम? I'm fine. हाँ she's fine. मैं भी ठीक हूँ। रेनू कुछ घुटन सी महसूस हो रही है ना? You're right. Let's go.
छोटी सी एक बात बनी बात से दास्तान। भूल के सब बातें हंस दे है यही प्यार की शान। छोटी सी एक बात बनी बात से दास्तान। भूल के सब बातें हंस दे है यही प्यार की शान। काल के आदमी होंगे। हाँ। रवि, राकेश कहाँ होगा? राकेश, थैंक गॉड, हम तो परेशान हो गए थे। ये क्या, इसी बात का डर था? अरे कुछ नहीं, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगा। भाभी और गुड्डी कहाँ हैं? यही है और बिल्कुल ठीक है। उनकी ये कोशिश तो नाकाम हो गई, लेकिन हमें होशियार रहना पड़ेगा। हम जो करेंगे वो तो हम जानते हैं, सवाल यह है कि उनका अगला बार क्या होगा। कुमार साहब, उन लोगों को सारी खबरें देने वाला जो आदमी है वो पैरों पे नहीं पहियों पे चलता है, और उसका नाम है अब्दुल। कमबख्त अपाहिज है। अपाहिज है? तो बेचारा अभी तक जिंदा क्यों है? Bye.
अच्छा, तुम्हारा भाई मरा ना, अपन को लगा कि अपना कोई सगे वाला मरा क्या? विजय भैया, कल हमारी दुकान पर चार आदमी आए थे, वो हमसे पूछ रहे थे अब्दुल कहां मिलेगा। कौन थे वो लोग? आस्ते, ये गिलास, ये क्या है? कुमार साहब ने तुम्हें भी इनाम भेजा है। ओ, कितने हैं? 2000। ओ, ये यशवंत कीर्ति वगैरह कहाँ है? सब ऊपर है, ऊपर है। आज सबकी जेबें गर्म है ना, इसलिए पत्ते खेल रहे, पत्ते। तो तुम भी चलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो ड्राई डे है, तुम्हारा बार तो बंद है। हाँ, बार भी बंद है, कारोबार भी बंद है, लेकिन ये कीमती सामान जरा मैं अंदर बंद करके एक मिनट में आया। तुम चलो। हाँ, okay. हाँ, गो गो गो, आई एम कमिंग। 1 2 3। सॉरी सर, शायद आपको मालूम नहीं कि बार आज बंद है। मैं जानता हूं कि बार आज बंद है, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि ये बार कल भी बंद रहेगा। जी, ये क्या कर रहे हैं आप? यशवंत, कीर्ति, प्रकाश, कमल, ये सब कहां मिलेंगे? यशवंत, कीर्ति, ये सब आप क्या कह रहे हैं? इस नाम के किसी आदमी को मैं नहीं जानता। मेरा गला। देखिए साहब, देखिए, बहुत कीमती है, जापान का माल है, आजकल बिल्कुल नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। गया। ये क्या गुंडा करती है? नहीं, ये क्या गुंडा करती है? मैं अभी 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 पुलिस फोन करता हूँ। अच्छा चलिए, आप फोन कीजिए। अब बुलाइए। देखो देखो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, ये शरीफ लोगों के बैठने की जगह। मैं उन शरीफ आदमियों से ही तो मिलने आया हूँ जो हमेशा इस बार में। कुछ तोड़ दोगे क्या? तुम्हारा बार, अरे बाप, तुम्हारी बोतलें, तुम्हारी जिंदगी समेत अब्दुल की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं। अब्दुल? कौन अब्दुल? ये सारा सामान तोड़ने के बाद जब मैं एक एक करके तुम्हारी हड्डियां तोड़ना शुरू करूंगा, तो तुम्हारे हर सवाल का जवाब खुद याद आ जाएगा। अरे ठहरो ठहरो, आखिर तुम चाहते क्या हो? इस बार में बैठने वाले शरीफ लोगों का पता। बताता हूँ, ऊपर वाले कमरे में, ऊपर वाले रास्ता, 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 इधर से। क्या चाहते हो तुम? तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहता। तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? ये मेरा उसूल है, मैं हमेशा घर में घुस के ही मारता हूं। आ,
यकीन कीजिए, हमने पूरी कोशिश की लेकिन उनकी किस्मत ऐसी। उनकी किस्मत अच्छी नहीं, तुम्हारी अक्ल खराब है। उनकी किस्मत अच्छी होती तो मुझसे टक्कर लेते। अब देखो मैं क्या करता हूं, समझ लो। वो अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं, लेकिन मैं उनको यूं ही नहीं मार डालूंगा। बहुत खेल खेल के मारूंगा, जैसे बिल्ली चूहों को मारती है। मैडम, आप चुपचाप बैठी रहे, यही आपके लिए अच्छा है, वरना। मिसेस शिवकुमार, आप मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन आपके स्वर्गवासी पति मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मेरा नाम शाकाल है। तो तुम ही शाकाल हो? जी हां, मैं ही शाकाल हूं। शाकाल साहब, आपने मुझे याद किया। हां जगमोहन, मैं तुम्हारे निकम्मेपन से परेशान हो चुका हूं। क्या हुआ शाकाल साहब? तुम समझते हो मैं जानता नहीं, सेठ देवी दयाल हमारा सट्टे बाजार का करोड़ों रुपया लेकर गायब हो गया। लेकिन हम उसे ढूंढ लेंगे शाकाल साहब, वो जा कहां सकता है? हां वो जा कहां सकता है। गट्स, जगमोहन साहब को ले जाओ और इनकी अच्छी तरह से मरम्मत करो। शकल साहब जी, आप ले जाओ। शकल साहब प्लीज, मेरी बात तो सुनिए शकल साहब। लेकिन ख्याल रहे, मरने ना पाए, ये हमारे बहुत पुराने आदमी हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि ये काम शाकाल का है। लोगों को इस तरह से उठवा लेना, गायब कर देना, उसके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, लेकिन हम भी तो इस तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे नहीं रह सकते ना। सवाल तो यह है कि हम शाकाल के ठिकाने तक पहुंच कैसे सकते हैं? मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता हूं। कौन हो तुम? जगमोहन, तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन शायद राकेश ने मुझे एक बार देखा है। मैं शाकाल के लिए काम करता हूं। हाँ, क्या मिसेस शिवकुमार? हाँ, वो शाकाल के कब्जे में है। तुम्हारे यहां आने की वजह? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि जिस शाकाल के लिए मैंने हजार बार अपनी जिंदगी खतरे में डाली, उस शाकाल ने एक मामूली सी गलती पर ऐसा सलूक तो कोई अपने कुत्ते के साथ भी नहीं करता। खैर, तुम लोग उस जजीरे तक पहुंचना चाहते हो? जी। Thank you.
तुम लोगों के फन तुम्हारी कला की बहुत तारीफ सुनी थी, मगर जितनी भी सुनी थी कम सुनी थी। तुम लोगों को मेरी तरफ से कुछ इनाम मिलना ही चाहिए। वो देखो, इसी इनाम की लालच में तुम लोग यहां तक आए हो क्यों मिस्टर विजय? मिस्टर रवि, लेकिन ये इनाम नहीं है, ये तो पनीर का एक टुकड़ा है जो मैंने चूहेदान में इसलिए ला के रखा था कि चूहों को पकड़ सकूं।
अगर एक तरफ मैंने तुम्हारे यहाँ आने की वजह बनाई तो दूसरी तरफ तुम्हारे यहाँ आने का तरीका भी मैंने ही सोचा था। जगमोहन, इसे मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था। मैं जानता था इसे जख्मी देखकर तुम्हें इसकी सच्चाई का यकीन आसानी से आ जाएगा। वेल डन जगमोहन। थैंक यू सर। तुम लोगों को हारना ही था और मुझको जीतना ही था, इसलिए कि ये बाजी दोनों तरफ से मैं ही खेल रहा था। और अब खेल खत्म हो गया, तुम दोनों मेरे सामने हो और तुम्हारा तीसरा साथी मेरे गार्ड के कब्जे में है। गलत। तीसरा साथी यहां है शाकाल। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे दो मामूली से प्यादे मुझ पर काबू पा सकते थे तो काफी बेवकूफ आदमी हो। कोई अपनी जगह से हिलने की हिम्मत ना करे। शाकाल, तुम जानते हो मेरा निशाना कभी गलत नहीं होता। अपने आदमियों से कह दो बंदूकें फेंक दें। हाँ तो शाकाल, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, तुम अपनी चाल चल चुके, अब हमारी बारी है। जुल्म और पाप का खेल तो हमेशा जालिमों और पापियों की जिंदगी के साथ ही खत्म होता है। शाकाल, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है, ठहरो। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जमीन पर इन लड़कियों की लाशें पड़ी होंगी। तो अपनी अपनी बंदूकें। बच्चे हो तुम, शाकाल के हाथ में जितने पत्ते होते हैं उतने ही पत्ते उसकी आस्तीन में भी होते हैं। किसका आखिरी वक्त आ गया ये मैं तुम्हें बताऊंगा। बहादुर सिपाही इसी तरफ आ रहे हैं मिस्टर शिव कुमार। अब देखिए
यहां बैठे बैठे मैं कैसे इन चिड़ियों का शिकार खेलता हूं। ये क्या? ये तो आखिर तुम लोग यहां तक आ ही गए, लेकिन और आगे ना बढ़ो तो बेहतर है। अब मेरी उंगली जिस बटन पर रखी है उसे दबाते ही ये कुर्सी, ये औरत हथियार फेंक दो। शकाल, तुम जो चाहे कर लो, लेकिन आज तुम जिंदा नहीं बच सकते। अपना अपना ख्याल है, बचना तो अब तुम्हें है विजय। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसकी उम्मीद न रखता। हिलो मत। की क्या खातिर की जाए? ये जहरीली गैस धीरे धीरे महफिल को और रंगीन बनाती रहेगी। Thank you.
प्लीज। वाकई जिंदगी में पहली बार बहादुरों से टक्कर हुई है। जिस बहादुरी से लड़े हो बस अब उसी बहादुरी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो शाकाल अब क्या बोलते हो, तुम्हारा खेल खत्म हो गया कमीने? बाजी अब हमारे हाथ। अपने गुनाहों को याद कर शाकाल, उन तमाम मासूमों को याद कर जिनकी जिंदगी तेरे हाथों गई। क्यों खेल पसंद नहीं आया? तुम तो हमेशा लोगों की जिंदगी से खेले हो ना, अब खुद खिलौना बन के देखो। और अब जिस बटन पे मेरी उंगली है उसे दबाते ही तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारी जिंदगी। नहीं विजय, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या करें यहां भाभी? आप चाहते हैं कि हम इसे छोड़ दें? ये शाकाल है भाभी, शाकाल। ये इंसान नहीं, इंसानियत के नाम पर एक भद्दा दाग है। इसने हमारे भाई का खून किया है। हाँ भाभी, ये वही शाकाल है जिसने राकेश की बीवी का खून करके उसके घर को उजाड़ दिया। हाँ शीतल जी, ये वही शाकाल है जिसने आपकी बच्ची को यतीम कर दिया, आपके माथे का सिंदूर बैठा दिया। मैं जानती हूँ कि ये मेरे पति का खूनी है, लेकिन मैंने अपने पति से कानून की इज्जत करना सीखा है, और कानून को अपने हाथ में लेना कानून की इज्जत करना नहीं है। ये सच है कि यह कातिल है, खूनी है, लेकिन इसे सजा देने का अधिकार हमें नहीं है। देखिए शीतल जी, क्योंकि 3 मिनट के अंदर ये सारा का सारा जजीरा बम की तरह फट जाएगा। अगर मैं नहीं जीत सका तो किसी को जीतने भी नहीं दूंगा, समझे? मेरा नाम शाकाल।